बैंक निफ्टी और निफ्टी के डेली एनालिसिस में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज मार्केट ने अपना क्लोज दिया है 53,045 पे, जो पिछले दिन के क्लोज से मार्केट 287 पॉइंट और ऊपर आके बंद हुआ है। मार्केट में लगातार बुल रन हो रहे हैं। कल मैंने इस बारे में बिल्कुल साफ मैंने बात कर रखी थी कि मार्केट अपने ऑल टाइम हाई पे पहुंचने के लिए लालायित रहेगा, मार्केट को पहुंचने में वक्त भी नहीं लगेगा और मार्केट गुरुवार शुक्रवार तक मार्केट अपने ऑल टाइम हाई तक पहुंच जाएगा। ये बात मैंने सोमवार को कही थी और मार्केट को आप अगर देखेंगे तो मार्केट इन चार दिनों में, 1, 2, 3 और 4, मार्केट चार दिनों के अंदर आपको 52,000 से लेके मार्केट आसानी से 53,000, आज 300 तक भी मार्केट चला गया था। अगर थोड़ा सा ध्यान से देखा जाए तो मार्केट ने आज अपना ऑल टाइम हाई दोबारा और एक बार लगा लिया है और वहां से मार्केट भी करेक्ट हो गया और ये घटना बिल्कुल सुबह कुछ ही पल के अंदर, मार्केट के खुलते ही मार्केट अपने ऑल टाइम हाई पे गया, वहां से फिर मार्केट नीचे आके कामकाज करने लगा। पर एक बात यहाँ पर जरूर हम इस बारे में जिक्र करेंगे कि मार्केट भले ही यहाँ पे एक आपको ऑल टाइम हाई लगाए, लेकिन आज का जो कैंडल है ये एक बेरिश कैंडल है, इसको याद रखिएगा, ये कैंडल बेरिश है, इसको आप बुलिश मत मानिए, इसके रंग पे मत जाइए। बेरिशनेस में कब मार्केट हल्ला बोलेगा, कब सेलिंग आएगी, ये सेलिंग तब आएगी अगर कल के दिन मार्केट में यहाँ पे एक कैंडल बनता है जो इस कैंडल के नीचे क्लोज होगा। मतलब आज जहाँ पे क्लोज हुआ है, आज कहाँ पे क्लोज हुआ है, 53,045, कल के दिन अगर मार्केट यहाँ से नीचे क्लोज होगा तो बहुत ज़्यादा सावधानी बरत के या फिर मार्केट में ये चांसेस बन जाएगा कि मार्केट वहाँ से करेक्ट होने वाला है। ये एक पहला ये निशानी है, लेकिन ये तभी होगा ये अगर मार्केट कल के दिन एक बेरिश कैंडल बनाता है और इस क्लोज के नीचे अगर मार्केट क्लोज करता है। लेकिन ये तो हो गई प्राइस एक्शन की बातें जो हमको माननी ही पड़ती है, मार्केट ऐसे काम करता है। लेकिन अगर आप अगर देखेंगे तो मैंने कल आपसे एक बात कही थी कि मार्केट एक चैनल में फंसा हुआ है। मार्केट जब तक चैनल में है आपको यहाँ पर बहुत ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं है, मार्केट आराम से ऊपर चढ़ता जाएगा। लेकिन मार्केट आज के दिन अगर देखेंगे तो मैंने आपसे कल भी एक बात यही बात मैंने कहा था, ऐसे चैनल को छोड़ने के लिए मार्केट को एक ही चीज़ की ज़रूरत पड़ती है, वो है मार्केट का तिलस्मी ताकत। या तो मार्केट को गैप अप खुलना पड़ेगा या मार्केट को बड़ा गैप डाउन खुलना पड़ेगा। तो आज सुबह ही हमने देखा कि मार्केट एक बड़े गैप अप के साथ शुरू हुआ जो ट्रेंड लाइन के ऊपर है और ट्रेंड लाइन के ऊपर एक्चुअली मार्केट कल भी ट्रेंड लाइन के ऊपर कामकाज कर चुका था, इसलिए मार्केट में बाइंग या बायर्स का जमावड़ा शुरुआत से ही था। और मार्केट जैसे ही आज गैप अप खुला, मार्केट सीधे एकदम बायर्स के गोद में जाके गिरा और यही वो मौका था जहाँ पे मार्केट को बहुत अच्छा एक शुरुआती दौर में एक अच्छा खासा एक अपलिफ्टमेंट मिल गया, मार्केट को एक अच्छा खासा उछाल मिल गया और मार्केट सीधा सीधा अपने ऑल टाइम हाई के तरफ मार्केट चला गया। लेकिन वहाँ पर ज़्यादा देर टिक नहीं पाया क्योंकि यहाँ पर हमने जुलाई महीने के हमने शुरुआती दौर में हमने देखा था मार्केट ने ऑल टाइम हाई बना, उसके बाद एक बड़े गैप डाउन के बाद मार्केट यहाँ पे कंसोलिडेट होकर अच्छा खासा नीचे गिर गया था। तो इसी वजह से मार्केट इस जगह को आज यहाँ से ऊपर नहीं ले जा पाया। अब बात करते हैं कि मार्केट यहाँ से अगर कल के दिन अगर हमको करेक्शन दिखता है तो कल के दिन करेक्ट अगर होता भी है तो बहुत नहीं होगा। क्यों नहीं बहुत होगा, क्योंकि ऑलरेडी मार्केट अगर कल के दिन इस ट्रेंड लाइन ये जो मार्केट का चैनल बना है इसके अंदर आ जाएगा तो फिर बहुत बहुत ज़्यादा यहाँ पर दिक्कत की वाली बात नहीं होगी। लेकिन अगर कल भी बेरिश रहता है, सोमवार को भी बेरिश रहता है तो फिर मार्केट में हम तेज़ गति से मार्केट को गिरते हुए देख सकते हैं, जो मार्केट को यहाँ से फिर से आपको सीधा सीधा इस लेवल तक 51,600 तक तो बहुत आसानी से लेके आएगा। मतलब ये हुआ कि यहाँ से मार्केट फिलहाल जहाँ पे है यहाँ से मार्केट 1500 पॉइंट मार्केट गिर सकता है, लेकिन ये तभी होगा जब मार्केट में कल बेरिशनेस होगा। अदरवाइज मार्केट अगर इसी ट्रेंड लाइन के ऊपर अगर बना रहता है, मार्केट अगर इस ट्रेंड लाइन को, ये जो ऊपर जो आप देख रहे हैं जिसको मार्केट ने अभी एज ए सपोर्ट इस्तेमाल करके रखा है, इसी को मार्केट अगर पकड़ के रखता है तो फिर कल मार्केट बेरिश नहीं होगा, फिर मार्केट कल इसी को पकड़ के वेल की तरह मार्केट ऊपर चढ़ता हुआ आपको कल के दिन दिखाई देगा।
15 मिनट के टाइम फ्रेम पे मार्केट को अगर हम यहाँ पे देखने की कोशिश करते हैं तो यहाँ पे बहुत साफ सुथरे तरीके से हमें दिखाई देता है। ये 18 तारीख का कैंडल मार्केट ऊपर गया और इस ट्रेंड लाइन के ऊपर मार्केट ने पूरा दिन बिठा दिया। और मैंने कल आपसे एक बात कहा था कि मार्केट सारा दिन बहुत अच्छा था, पर मार्केट आखिरी वाले मिनट पे मार्केट बेरिश हो गया और वहाँ पे दोबारा इस चैनल के अंदर मार्केट फंस गया। लेकिन आपको मैंने साथ में ये भी बताया था कि मार्केट अगर एक बड़ा गैप अप के साथ ओपन होता है तो मार्केट यहाँ पे होने वाले जितने भी कार्यक्रम हैं इन सबको रद्द करके मार्केट बायर्स की सूची में शामिल हो जाएगा। और आज वही हुआ। जैसे ही मार्केट बड़ा गैप अप ओपन होता है, या बड़ा गैप अप मैं किस बात से कह रहा हूँ, अगर आप देखेंगे तो मार्केट लगभग 625 के पास मार्केट बंद हुआ था कल, और आज जब खुला लगभग मार्केट 900 के आसपास खुला, 173 180 के आसपास मार्केट पॉइंट्स गैप अप आज खुला। और शुरुआती कुछ ही मिनटों में मार्केट, अगर आप 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे अगर हम देख रहे हैं तो मार्केट बिल्कुल पहली फर्स्ट 15 मिनट में ही मार्केट ने अपना हाई लगा लिया था। अगर मैं आपको थोड़ा सा इसको जूम करके दिखाऊं तो आप देख सकते हैं कि पहला ही 15 मिनट में मार्केट ने अपना हाई लगा लिया, फिर वहां से उतनी जल्दी मार्केट नीचे भी आया और आहिस्ता कर करके फिर मार्केट नीचे आया। लेकिन ये ट्रेंड लाइन को मार्केट ने सपोर्ट बनाए रखा था, तो सपोर्ट के सहारे मार्केट पूरे दिन भर फिर एक ही जगह पे कंसोलिडेट करता रहा। 900 और 53,000 के पास मार्केट एक ही जगह पे पड़ा रहा। बहुत ज़्यादा कुछ आज अच्छा या बुरा भी नहीं हुआ। अब कल के दिन चीज़ों को समझने की कोशिश करिए। कल के दिन अगर मार्केट दोबारा गैप डाउन खुलता है, जैसा यहाँ पे हमने गैप अप देखा, मार्केट को बायर्स के नज़रों में देखा, कल अगर गैप डाउन खुलता है तो फिर ऑटोमेटिक मार्केट इस रेंज पे जैसे ही आता है मार्केट में कल हम सेलिंग के दौर पे देखने के हमको समय मिलेगा। और फिर मार्केट यहाँ से ये जो आज सपोर्ट है कल यही चीज़ रेजिस्टेंस बन जाएगा और मार्केट यहाँ से धीरे धीरे करके फिर नीचे की तरफ जाने लगेगा। और फिर आपको हर तरह से अपने आप को सावधानी रख के मार्केट में कामकाज करना है। ज़्यादा जोश के साथ अगर आप कामकाज करने जाएंगे हो सकता है चीज़ें उल्टी पड़ जाए। शुरुआत का आधा घंटा मार्केट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होगा, क्योंकि आज का भी देखिए शुरुआत का आधा घंटा मार्केट में हमने पहला कैंडल देखा, अगला कैंडल देखा, तो सेकंड कैंडल में समझ में आ रहा था कि मार्केट फर्स्ट कैंडल के हाई को तोड़ नहीं पाया, और जैसे ही थर्ड कैंडल बनना शुरू हुआ ये समझा दिया कि मार्केट में इससे ज़्यादा और कुछ होने वाला है नहीं आज। इसी तरीके से कल के दिन अगर मार्केट गैप अप खुलता है, ये आज का क्लोज है, मार्केट अगर गैप अप खुलता है तो सबसे पहले मार्केट के पास दोबारा मार्केट बाइंग जोन में चला जाएगा, इसको याद रखिएगा। पर शुरुआत का आधा घंटा बेहद ज़रूरी है। शुरुआत का आधा घंटा ही अगर फिर से इस सपोर्ट को अगर ब्रेक करके नीचे चला आता है तो फिर मार्केट में हम फिर से एक बार सेलिंग की तरफ जाते हुए देखेंगे। अदरवाइज मार्केट में ज़्यादातर क्या होने वाला है कि मार्केट ये जो हाई लगा है आज का, उस हाई की तरफ मार्केट जाएगा और यहाँ पर अगर कुछ देर ठहरता है और उसके बाद अगर मार्केट एक ऊपर की तरफ ब्रेकआउट देता है वो मार्केट के लिए सबसे अच्छा और ज़्यादा अच्छा होगा, क्योंकि मार्केट ऑल टाइम हाई के पास है। मार्केट दोबारा इस हाई को और दो चार कदम और बढ़ा सकता है, शुक्रवार को भी बढ़ा सकता है, सोमवार को भी बढ़ा सकता है, मंगलवार को भी बढ़ा सकता है। तो मार्केट के पास अभी दोनों ही संधि है या मौका है, तो मार्केट इस मौके को शायद ही चूक कर दे, मार्केट दोबारा यहाँ पर एक बार हाई लगाने की तरफ जाएगा ज़रूर। लेकिन ये सारा चीज़ निर्भर करेगा कल के ओपनिंग पे। कल ओपन का होता है, जो मैंने यही कहा था कि गुरुवार का ओपनिंग मार्केट के लिए ज़्यादा ज़रूरी है। अगर मार्केट बड़ा गैप ओपन होगा तो मार्केट में बुलिशनेस देखेंगे, मार्केट वही हुआ। कल के दिन भी ऐसा ही होगा, अगर मार्केट गैप ओपन होता है तो फिर ये सपोर्ट मार्केट को झेल लेगा। मार्केट ये जो सपोर्ट आज जो जिस सपोर्ट के कारण मार्केट आज यहाँ पे रुक गया, कल के दिन भी यही होगा। हो सकता है कल के दिन मार्केट इसी सपोर्ट के सहारे ऊपर चढ़ता जाए। अब मार्केट में वोलेटिलिटी कब आएगी उसको समझ लेते हैं। आज का हाई और आज ये जो ट्रेंड लाइन है, ये जो ट्रेंड लाइन चल रहा है आज का हाई और ये जो ट्रेंड लाइन चल रहा है सपोर्ट का, इसके नीचे जाएगा तो फिर मार्केट में हम सेलिंग देख पाएंगे, और तेज़ आएगा इसके ऊपर जाएगा तो फिर मार्केट में हम यहाँ पे बाइंग की तरफ देखेंगे। अदरवाइज मार्केट इसके बीच में जब तक रहेगा ना, आपके प्रीमियम ज़्यादा तेज़ी से बढ़ने वाले हैं नहीं। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। आपसे मैं अगले वीडियो मिलता हूँ, तब तक के लिए जय हिंद।